कुशीनगर जिले के दूसरी सबसे बड़ी तजिया है, लेकिन कहा जा रहा है कि 15 से 20 लाख रुपए लगाकर इस तजिया को बनाया गया है। इस तजिया की लागत सर 15 लाख से अब ऊपर जा रहा है। हाँ, तजिया को बनाने के लिए अपने खेत को भी आप बेच दिए? नहीं, ये सच्चाई है? नहीं, एक मिसाल है, इससे हमको एक सबक लेना चाहिए हमको। नमस्कार, मैं अमित कुमार, आप देख रहे हैं टीवी समाचार। टीवी समाचार की टीम इस वक्त फिर एक बार कुशीनगर जिले के सिंघा में मौजूद है। आज पूरे देश में मुहर्रम खूब धूमधाम से मनाया जा रहा है, लेकिन हमारे पीछे देखते होंगे एक बड़ी सी तजिया बनी हुई है। कुशीनगर जिले के दूसरी सबसे बड़ी तजिया है, लेकिन अब सवाल ये उठते हैं कि इससे भी एक हिंदू ने ही बनाया है। कहा जा रहा है कि 15 से 20 लाख रुपए लगाकर इस तजिया को बनाया गया है, और जो बनाने वाले जो लागत है जिसके 15-20 लाख रुपया जिसने लगाया है वो हिंदू ही है। और कहा जा रहा है, ये भी कहने में सुनने में आ रहा है कि वो हिंदू ऐसे हैं जो अपने खेत बेचकर इस तजिए में पैसे लगा दिए हैं। लेकिन वो कौन व्यक्ति हैं, क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं? आखिर मुसलमान और हिंदू में तो कहा जाता है कि भारत और पाकिस्तान को लेकर और तमाम जगह भाईचारे की जहाँ एक तरफ बात होती है, और दूसरी तरफ कहा जाता है कि हिंदू मुसलमान में तो झगड़ा चलता रहता है, लेकिन आखिरकार हिंदू एक हिंदू मुसलमान के लिए इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया, इससे इनसे जानेंगे हम। सबसे पहले आ जाइए भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मानवेंद्र प्रताप साई है, जीतू गांव। कहा जा रहा है कि आप तजिया बना दिए हैं जी, ये कहाँ से प्रेरणा मिली आपको तजिया बनाने? ये सर प्रेरणा तो हमारे ग्राम सभा में सदियों से बनता चला आ रहा है। हम लोग जब छोटे का ही आज़ादी के पहले से यहाँ तजिया बनती चली आई है। ये जो भूम करबला के नाम से दर्ज है, यहीं तजिया का मेला लगता था। अभी पहले तो हर साल यहाँ मेला लगता है, हर साल मुहर्रम पे यहाँ मेला लगता है जी। ये तजिया पहली बार बनवाए हैं या हर साल बनवाते हैं? नहीं नहीं, ये हम तो ये बड़ा वाला तजिया इस मेले को भव्य और दिव्य बनाने के लिए तजिया बनी है, और इसी एवज में जैसे यहाँ पे हम तो पहली साल बनवाए, लेकिन यहाँ पे और भी बड़ी तजिया बन चुकी है, इसके पहले भी बड़ी तजिया यहाँ बन चुकी है। इस तजिया की लागत कितनी होगी समथिंग? इस तजिया की लागत सर 15 लाख से अब ऊपर जा रहा है। हाँ, ऊपर जा रहा है। अभी लेबर कास्ट और जनरेटर लाइट बाजा इसका भी तो पैसा है अभी लोग का। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इस तजिया को बनाने के लिए अपने खेत को भी आप बेच दिए, नहीं ये सच्चाई है? नहीं नहीं, पहले जैसे हम लोगों का तो खेत बिका है, लेकिन इस ताजिया को बनाने के वजह में खेत नहीं बिका है जी। ये तो जो भी लोग कर रहे हैं ये गलत फहमी है, कोई अपना खेत बेच के ये सब काम नहीं करेगा। हमने हाँ, ये है कि मेरे पास ये नहीं था कि इतना पूंजी था, लेकिन लोगों का सहयोग और प्लस जो भी हमारे पास था वो संसाधन लगा के हमने इसको तैयार करवाया जी। अच्छा, एक हिंदू तजिया बनाकर समाज में हिंदू और मुस्लिम के भाईचारे को क्या संदेश देना चाहता है? हिंदू और मुस्लिम के भाईचारे को, हम लोग भारतवर्ष में रहते हैं, भारतवर्ष का सबसे विशाल नारा रहा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई, उसी से हमारा संविधान बना हुआ है, उसी से देश चलता भी है, संविधान से ही हमारा देश चलता है। संविधान सबको अधिकार दिया है कि सब लोग आपस में मिल बांट के रहें। इस चीज़ में जैसे ये तो मेला है, मेला किसी धर्म का नहीं होता है, और इसमें जैसे मेले में किसी भी प्रकार की स्थिति नहीं रखनी चाहिए। मेला सबका है, हो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, और हर धर्म का त्यौहार 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 के रूप में मनाते हैं, और मेला मेला के रूप में मनाते हैं, तो त्यौहार के साथ साथ इसमें मेला भी जुड़ा है, तो मेले के वजह में मनाया जा रहा है भैया। नहीं, अब कई सारे हम पिछली इससे पहले हम मना चुके हैं, वहाँ पता नहीं क्या नाम है, हम तो दूर से चलकर गोरखपुर से आए हैं। भाई साहब जो कैमरे के पीछे सहयोगी पत्रकार हैं, इन्होंने हमें बुलाया था, तो बहुत सारे हिंदू भाई कमेंट किए कि मुसलमान कितना हिंदू के लिए काम करता है, क्योंकि अब आ रहा है नवरात्र, उसमें बहुत बड़े बड़े पंडाल बनते हैं 20 लाख 10 लाख रुपया, तो क्या मुसलमान इसके लिए कोई खड़ा हो रहा? हमारे ग्राम सभा में दशहरे का मेला लगता है, और सदियों से सब हिंदू मुसलमान मिल के लगवाते हैं, वो हर वर्ष लगता है भैया, और 5 दिन का लगता है। उसमें रावण दहन भी होता है, बहुत विशाल दंगलें होती हैं उसमें, आप जैसे उसका भी कवरेज करिए, सारे मुसलमान अच्छा हिंदू सब लोग मिल के ग्राम सभा सिंघा के सारे लोग मिल के ये मेला लगवाते हैं, और हमारे ग्राम सभा का रिकॉर्ड रहा है कि आज तक किसी भी प्रकार का जातिगत दंगा चाहे किसी भी प्रकार का तूतूमय तक नहीं हुआ है। ये होता है भारत, यहाँ बहुत सारे राजनीतिक दल हैं जो कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम होता रहता है, लेकिन आज भी देखी जाए भारत में तो हिंदू मुस्लिम कहीं भी नहीं होता है, लेकिन ये सब राजनीतिक दलें करवाते हैं। लेकिन यहाँ तो देखी जाए जमीनी स्तर पे, तो एक हिंदू से पूछा जाए, मुस्लिम भाई से पूछा जाए, तो वो तो कहते हैं कि नहीं मेरा हिंदू भाई है। मुस्लिम भाई से हिंदू भाई से पूछा जाए तो हिंदू भाई कहता है कि मेरा मुस्लिम भाई है। तो ये कहीं का फर्क नहीं है, बस ये राजनीति का रोटियां सेकने का काम करते हैं। लेकिन एक
भाई साहब क्या नाम है आपका? मुमताज अंसारी नाम है मेरा। अंसारी जी, आज तो हिंदू भाई 15 लाख रुपए की तजिया बना दिए, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे ये जीतू भाई हैं, बहुत अच्छा काम किए हैं, हर आदमी के लिए का अच्छा काम किए हैं। आज तो मुहर्रम है, आज एकदम हंसते हुआ होना चाहिए, आप गुस्से में लग रहे हैं। नहीं, गुस्से में नहीं लग रहे हैं, गुस्से में हम लोग कमेटी के मेंबर हैं, तो इसके वजह से हम लोग के ऊपर थोड़ा प्रेशर है, ठीक है, इसके वजह से हम लोग को थोड़ा सा। और रात भर सब आदमी जगे हुए हैं, सोए भी नहीं है। ये तो त्योहार साल में एक बार आता है और मेहनत दबा कर लोग करते हैं, क्योंकि दिन रात एक करके मेहनत करना पड़ता है। जो कमेटी के बच्चे हैं, चाहे उन लोगों का, गांव के लोगों का योगदान इतना बड़ा रहा है इस ताजिए को खड़ा करने में। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे ग्राम सभा के हर बच्चे, कर जो छोटे बच्चे हैं, इस समय 10 साल के बच्चे रात रात भर पूरी रात जग के ताजिया को मेंटेनेंस में लगे हुए हैं। मैन पावर में भी हमारे गांव में जितने बाहर से भी दूर दूर से लोग मैन पावर के लिए यहाँ आए थे, जब हमें आवश्यकता पड़ी मैन पावर की तो सब लोग यहाँ इकट्ठा थे। 200,000 की भीड़ थी जब ताजिया जोड़ी जा रही थी। अच्छा। तो जो कमेटी के बच्चे हैं, 2 रात हो गया ये लोग सोए नहीं है, 2 दिन 2 रात। सबका साथ सबका विकास, प्रधानमंत्री जी का भी विजन है कि सबका साथ सब। आइए, हम यहाँ ताजिया को देखने के लिए कुछ हिंदू भाई भी आए हैं और माता जी भी हैं। क्या नाम हुआ माता जी? आज मुहर्रम बाप तजिया देखे के मन कदे हल्का? अच्छा, कहाँ से आइल बानी रहुआ? तजिया मेला ओला भी करे नी का? देखे नी, हर साल आवे नी की जाने की, बस पहला बेर आई कभी काली आ जानी। तजिया का मेला कैसा लागल? ठीक लागला। बहुत लोग कहे ना कि ये मुस्लिम के त्योहार, हमनी के ना जाए। नहीं, हम पास कौन इथी नहीं रहला। ऐसा नहीं बात, ठीक लगा। ठीक लगेला। देखा भैया, ये सब कैमरे पे बा और राजनीत में बा, लेकिन हिंदू मुस्लिम सब एक रहला, यही के हम पूछल चाहते हैं। क्या नाम होता है? मोहम्मद जहीर। जहीर साहब कहाँ के रहने वाले? ग्राम धरनीपट्टी। धरनीपट्टी, आप बताइए कि यहाँ तो देखी जाए तो हिंदू मुस्लिम एक है, लेकिन राजनीति होता है कि हिंदू मुस्लिम आपस में झगड़े करते हैं, यहाँ तो धरती पे कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको, हर समाज को, हर बिरादरी को मिलकर रहना चाहिए, तभी हमारा देश विकास करेगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और जब आपस में लड़ेंगे तो हम विकास नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। हाँ, ये देखिए, यही एक जो है जो बना हुआ है, ये सबसे बड़ा मिसाल ही मिसाल है, एक मिसाल है। इससे हमको एक सबक लेना चाहिए, हमको एक सबक लेना चाहिए कि हर काम में हमको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, चाहे कोई भी त्यौहार पड़े, और आपसी भाईचारा मोहब्बत एक लाख ये बरकरार होना चाहिए। हाँ, ये हाँ, कोई भी त्यौहार हो। ये देखिए, इस वक्त हम आए थे कुशीनगर जिले के सिंघा में और दिखा रहे थे 15-20 लाख रुपए की तजिया बनी है, और कहा जा रहा था कि एक हिंदू ने ही बना दिया, लेकिन देखी जाए तो राजनीति में तो होता रहता है कि हिंदू मुस्लिम चलता रहता है, लेकिन अगर जमीनी स्तर पर देखेंगे तो यहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं है, बल्कि एक भाईचारे का संदेश दिया जा रहा है इस तजिया के माध्यम से। देखिए, टीवी समाचार ऐसे बेबाक खबरों के लिए जाना जाता है। टीवी समाचार को देखना है तो यूट्यूब पर जाएँ, सोशल साइट पर जाएँ, वहाँ लिखा है डायरेक्ट टीवी समाचार और लिख कर सर्च करें, सब्सक्राइब करें, बेबाक पत्रकारिता का साथ दें, समर्थन दें। तब तक के लिए लेते आपसे अलविदा।